दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कोई भी फिगर अगर माइनस में आती है तो उसको माइनस सिंबल ऐसे कैसे लगाएंगे, और माइनस में अगर आ रही है तो उसको रेड कलर कैसे करेंगे, और अगर जीरो आ रही है तो उसके सामने जीरो कैसे प्रिंट करेंगे। और फिर भी आपकी कैलकुलेशन में वो जीरो और माइनस आपका काम करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी सपोज करो यहाँ पे मैं 15 का अगर 14 कर देता हूँ तो भी आपका यहाँ पे ये फंक्शन ये फॉर्मूला काम करेगा, और यहाँ पर जैसे कुछ चेंज होता है तो ऑटोमेटिक वहाँ पे भी वो फॉर्मेट चेंज कर देगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है। वीडियो अच्छे लगे तो इसको लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। तो एक्सेल शीट का एक डेटा देख रहे हैं जिसके अंदर ईयर वाइज आपका यहाँ पे फिगर लिखा हुआ है। इसमें सेल्स है, नेट प्रॉफिट है, डिप्रिसिएशन है, कैश प्रॉफिट, इंटरेस्ट, इनकम टैक्स एंड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकम टैक्स के लिए फॉर्मूला लगाया हुआ है कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव प्रॉफिट आए तो ये आपको टैक्स लगाना, अदरवाइज जीरो करना है। ये फॉर्मूला ऐसे रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे माइनस का फिगर आ रहा है, यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होके माइनस का फिगर आ रहा है। मतलब कुल मिलाकर अगर फॉर्मूला भी है तो भी आपको ये जो फॉर्मेटिंग में बताऊंगा वो वर्क करेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको जहाँ भी फॉर्मेट लगाना है वो आपको रेंज सेलेक्ट करनी है, उसके बाद में आपको यहाँ से फॉर्मेट में जाना है और फॉर्मेट सेल में जाना है इस तरह से। जैसे फॉर्मेट सेल में आपको ये विंडो खुल जाएगी, आप इसको इस तरह से भी जा सकते हैं। यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा है या जो भी आपको दिख रहा है जनरल दिख रहा होगा, यहाँ पे भी आप जाके मोर नंबर फॉर्मेट में जाके आप यहाँ पे सेम मेनू को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। आपको यहाँ पे ये मेनू खुल जाएगा फॉर्मेट सेल वाला, इसमें आपको जाना है कस्टम में। कस्टम में आपको यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको हटा देना है और आपको लिखना है 0.00, सेमी कोलन लगाना आपको। मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ उसको, सेमी कोलन लगाना है। उसके बाद में आपको लिखना है आपको जो भी कलर देना है माइनस के लिए उसके लिए कलर देना आपको ब्रैकेट के साथ में इस तरह का ब्रैकेट RED। मुझे रेड कलर देना है इसलिए मैं RED लिख रहा हूँ, रेड लिख रहा हूँ, ब्रैकेट बंद कर रहा हूँ। इसके बाद में मुझे सिंबल जो देना है वो मुझे ब्रैकेट में लिखना है, मेरे को माइनस सिंबल देना है, वो मैंने माइनस सिंबल ब्रैकेट में लिखा। इसके बाद में मुझे यहाँ पे 0.00 क्योंकि मुझे दो डेसिमल में रिजल्ट चाहिए। उसके बाद मुझे सेमी कोलन लगाना है और उसके बाद मुझे जीरो लिखना है और जीरो के पहले उसको मुझे कलर देना है। तो मैं यहाँ पे कलर के लिए मैं पहले यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर ब्लू कर दूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा। इसके बाद में यहाँ पे मुझे क्योंकि मुझे जीरो नहीं प्रिंट देना, मुझे यहाँ पे JDRO लिखा हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ पे इन्वर्टर्स को मैं अंदर में लिखूँ JDRO, इन्वर्टर्स में ऑफ करूंगा, ओके करूंगा। ये आपको यहाँ पे सिंपल फॉर्मेट लग जाएगा। देखिए आप यहाँ पे जहाँ माइनस था वहाँ पे रेड कलर भी हो गया है और माइनस का ब्रैकेट के अंदर सिंबल भी आ गया है, और जहाँ पे जीरो आ रहा है वहाँ पे जीरो लिखा हुआ आ गया है। और यहाँ पे और आप कैलकुलेशन में इसका JDRO को कैलकुलेशन में भी इसको जीरो करेगा। आप इसको F2 करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगा हुआ अभी भी जीरो नहीं लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे इसकी वैल्यू भी जीरो आ रही है, ठीक है। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे मैं 14 कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव फिगर था वो नेगेटिव फिगर आ गया है और वहाँ भी आपका यहाँ पे रेड कलर आ गया है। मुझे उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक शेयर कमेंट कीजिए। अभी तो अपने चैनल सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। थैंक यू।